एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डीए तथा एसएसए के आवंटन से संबंधित सूचना। आखिर कब तक सभी जिला को राशि प्राप्त होगी, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वहां दबा दे, नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। सुपौल जिला से मिली जानकारी के अनुसार एसएसएसए सभी प्रखंड का डीए 3% का अंतर वेतन विपत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से सिग्नेचर के उपरांत बैंक को भेज दिया गया है। अगर सब चीज ठीक ठाक रहा तो आज ही इसका भुगतान हो जाएगा, अन्यथा के स्थिति में कल फर्स्ट आवर में इसका भुगतान निश्चित रूप से हो जाएगा। अब जानते हैं एसएस मद के आवंटन से संबंधित सूचना। क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और 2 मई को ईद भी है, तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 920 करोड़ राशि जो केंद्र के द्वारा बिहार राज्य परियोजना को भेजा गया था, वो राशि ट्रेजरी से पास नहीं हो पाया है, राशि लेप्स हो गया है, जिस कारण से इस सप्ताह में राशि सभी जिला को प्राप्त नहीं होगा। इस राशि के लिए पूर्व के भांति ही सभी प्रक्रिया के द्वारा राज्य परियोजना को भेजा जाएगा और ट्रेजरी से पास होने के बाद परियोजना को राशि प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद सभी 38 जिला को राशि भेज दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को करने में लगभग 8 से 10 दिन लगेगा, लेकिन सभी संघीय पदाधिकारी ईद पर्व को देखते हुए इस कार्य पर तत्पर हैं। तब तक सभी जिला संघीय पदाधिकारी अपने अपने जिला का विपत्र 34% डीए के साथ तैयार रखें, ताकि जैसे ही सभी 38 जिला को राशि प्राप्त हो जाए, बिना विलंब किए हुए ईद जैसे महान पर्व पर सभी शिक्षकों के खाते में ससमय राशि भुगतान हो जाए, ताकि खुशी से अपना सभी शिक्षक पर्व मना सके। तब तक के लिए वीडियो में इतना ही, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा आप सभी को देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।